व्हाट्सअप गाइस मैं हूँ विशाल और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर धारुनिया पर तो भाइयों जो आज हम बनाने वाले हैं एक वेस्टेज टूटे हुए पाने से एक इन वन पाना मतलब इससे आप कुछ भी खोल सकते हो कुछ भी का मतलब आप कोई सा भी नट बोल्ट यूज कर सकते हो कोई सी भी साइज ले सकते हो कोई सा भी आप पाइप ले सकते हो पाइप को भी इससे आराम से खोल सकते हो कोई सी भी साइज का आप स्क्वायर पाइप ले सकते हो गोल पाइप ले सकते हो या फिर कुछ भी होगा आप सब जगह पर इसका यूज कर सकते हो तो इसको कैसे बनाते इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चालू करते इस वाली वीडियो को वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना शेयर कर देना और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना चलते फटाफट से स्टूडियो के अंदर चलो तो भाई आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर एक टूटा हुआ पाना है जो कि आगे से इस टाइप से टूट गया है और यहाँ पर जो हम इसका यूज़ करेंगे और इसको इन वन बनाने वाले हैं तो यहाँ पर मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ पर मार्किंग लगाने के बाद में और जो मैं कट कर रहा हूँ ग्लाइंडर के साथ में तो आप देख सकते हो मैंने ग्लव्स पहन रखे और हेलमेट भी पहन रखा है ताकि मेरी जो आँखें वो यहाँ पर बची रहे तो आप अगर यूज़ करते हो ग्लाइंडर का तो आपको ध्यान रखना है कि आप सेफ्टी बिल्कुल इसके साथ में रखें क्योंकि कुछ भी हो सकता है आपके साथ में अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने इसको दोनों तरफ से कट कर लिया है और बीच में से एक वी शेप का यहाँ पर आकार दे दिया है अब यहाँ पर हमारे जो इंजन होता है बाइक का उसकी जो टाइमिंग चेन होती है उसका यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ आप नॉर्मली साइकिल की चेन का भी यूज़ कर सकते हो बड़े पाने के साथ में अब यहाँ पर जो चेन है इसको मैंने दोनों तरफ से कट करके दोनों सिरे इनके बना लिए हैं और ये जो इस टाइप की चेन है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक चेन चक्का मैं यूज़ करने वाला हूँ ये भी टाइमिंग चेन का हमारा चेन चक्का है ये अगर आपको नया खरीदना है तो आपको मोटर रिपेयरिंग की शॉप जो होती है मतलब बाइक जहाँ पर रिपेयरिंग की जाती है उसकी शॉप पर पुराने वाले मिल जाएंगे आप पुराने खरीद लेना नए तो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलेंगे और यहाँ पर इसको हम इस टाइप से कट कर लेंगे जैसे मैंने मार्किंग लगाई है उसी टाइप से और भाई अभी तक आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए यार क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है बस आपको क्या है कि मेंबर बन जाओगे आप चैनल के और नई नई जो वीडियो आती रहेगी आपको मिलती रहेगी तो यहाँ पर चेन चक्के को मैंने टाइप से कट कर लिया है और यहाँ पर हमारा जो पाना था उसके दोनों तरफ एक तरफ चेन और एक तरफ हमारा कटा हुआ चेन चक्का उसको यहाँ पर टाइप से हम अटैच कर देंगे वेल्डिंग कर देंगे यहाँ पर तो अगर आपके पास वेल्डिंग मशीन नहीं तो आप किसी मिस्त्री से भी करवा सकते हो और यहाँ पर इसको टिकाने के लिए यहाँ पर मैं मैगनेट का यूज़ करने वाला हूँ तो फाइनली हमारा जो यहाँ पर पाना है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर मैंने वेल्डिंग कर दी है इस टाइप से देख सकते हो और यहाँ पर इसको घिस का थोड़ा स्मूथ भी बना दिया है अब यहाँ पर जो चेन है यहाँ पर इस टाइप से हमारी मूवमेंट करनी चाहिए और यहाँ पर ये यह इस टाइप से लग जाएगी और इसको कैसे यूज़ में लिया जाता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो यहाँ पर ये यह इस टाइप से चेन लगेगी और आप कुछ भी खोल सकते हो कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर तो यहाँ पर मैं आपको पूरा इसका टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर मैं कुछ नट बोर्ड को स्टाफ से अटैच कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले नट बोर्ड को खोल और यहाँ पर कसने के बाद में आपको हमारे जो पाइप होता है या फिर कोई भी दूसरी चीज़ है उसको भी हम चला कर दिखाने वाले हैं तो इस टाइप से यहाँ पर लगा देंगे हम और जैसे ही आप इसको कसोगे जितना आप यहाँ पर ताकत लगाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पर ये यह चेन इसके ऊपर टाइट होती जाएगी तो ये स्लिप नहीं होगी ठीक है अब यहाँ पर इसको खोलना है तो खोलने के लिए इसको वापस इस उल्टा करना होगा इसी टाइप से हमारा ये खुलेगा नहीं ठीक है तो यहाँ पर इसको उल्टा करेंगे और इस टाइप से चेन को अटैच करेंगे और वापिस से यहाँ पर हम ताकत लगाएंगे तो जितना आप ताकत लगाओगे उतना ज़्यादा ये इसके ऊपर टाइट कसता जाएगा ठीक है जिससे ये स्लिप नहीं करेगा इसके ऊपर अब यहाँ पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी से हमारा जो नट बोल्ट को खोल देगा आप कोई सी भी साइज़ इसके अंदर ले सकते हो ज़रूरी नहीं आपको इसी टाइप का लेना कोई सी भी साइज इसके अंदर जो चेन है हमने वो लगाई है आपके नट बोल्ट के हिसाब से यहाँ पर ये टाइट हो सकती है और ढीली हो सकती है ठीक है अब यहाँ पर हम इससे कुछ और चीज़ें भी खोल कर देखने वाले हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो मोटर होती है मोटर का आर्मेचर जो होता है वो यहाँ पर है और इसको अगर हम पकड़ना चाहेंगे तो काफ़ी आसानी से यहाँ पर इस टाइप से पकड़ लेगा और यहाँ पर हमें क्या करना होगा सबसे पहले चेन को इसके ऊपर सेट करना होगा इस टाइप से और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पर आर्मेचर है इसके ऊपर ये इस टाइप से पकड़ कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर आर्मेचर बहुत सारी जगह पर क्या फंस जाते हैं बेरिंग जाम हो जाते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ में ले सकते हैं अब क्या है कि हमारे जो राउंड शेप का जो पाइप होता है राउंड शेप बिल्कुल उसको अगर हमें कसना होता है तो उसको पकड़ने में नहीं आता है बहुत सारी जगह पर तो यहाँ पर क्या इस पानी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और आप देख सकते हो कि इस टाइप से मैंने इसको अटैच कर दिया है और अब जितना मैं ताकत लगाऊंगा ना उतना ज़्यादा ये यहाँ पर इसके ऊपर टाइट हो जाएगा ठीक है आप देख सकते हो कि मैं इसके ऊपर टाइट मतलब इसको खींच रहा हूँ यहाँ पर इसके ऊपर ताकत लगा रहा हूँ तो यहाँ पर ये स्लिप नहीं हो रहा है मतलब इसने इसको जकड़ लिया है अपनी अंदर की साइड में तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है आप इससे कुछ भी खुलवा सकते हो तो भी भी देखा आप सभी ने कितना मस्त आइडिया है इसको इस टाइप से बना सकते हो वेस्टेज चीज को आप और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन इसको बनाने वाला वो भी कमेंट कर देना और मिलता वीडियो में जय हिंद जय जेह भारत बाय बेड़े